हेलो दोस्तों, आज मैं आपको मेरे दोस्त के साथ घटी एक खौफनाक घटना के बारे में बताने वाला हूँ। मेरे दोस्त का नाम इकबाल है। तो चलिए बढ़ते हैं मेरे दोस्त के कहानी की ओर। यह घटना अमेरिका राज्य के डेविनपोर्ट शहर की है। वहाँ की खूबसूरती अपने आप में एक मिसाल है। वहाँ के लोग जौ, मक्का और चावल की खेती किया करते थे। ये अमेरिका की मशहूर फसल थी। चारों ओर खेत खलिहानों ने अपने इस शहर को खूबसूरती से घेर रखा था। मैं यहाँ एक लेक्चरर की हैसियत से नौकरी करता हूँ। यहीं मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई पूरी करने के बाद मैंने नौकरी तलाशनी शुरू की। एक दिन मुझे नौकरी मिल गई, जिसे पाकर मैं बहुत खुश हुआ। अब मैंने ये सोचा कि अपनी मंगेतर से शादी करके उसे भी यहाँ लेकर आ जाऊँगा। इस तरह मेरी भी तन्हाई दूर हो जाएगी। मुझे बचपन से ही रात को घूमने की आदत थी, इसलिए मैं एक दिन घूमने निकल पड़ा। घूमते घूमते मैं अपने पुराने मकान मालिक के घर पहुँच गया, जिससे मैंने पहले किराए पर घर ले रखा था। मैंने वहाँ जाकर देखा कि मकान मालिक अपनी बीवी के साथ बगीचे में टहल रहा है। मैंने पिछली खिड़की से देखा कि वहाँ एक सुंदर लड़की झूला झूल रही है। मैंने अपने दिल में सोचा कि मकान मालिक के यहाँ कोई मेहमान आई हुई है। उस रोज के बाद उसी लड़की को मैं अपनी खिड़की से झूला झूलते देखा करता था। एक दिन मैंने उसकी ओर देखा तो वह पलटी और मेरी तरफ देखकर हंसने लगी। वह लड़की बहुत सुंदर थी। मैं उसी के बारे में अपने मकान मालिक को पूछने चाहता था, मगर मेरी हिम्मत ना हुई। अमेरिका में इस तरह लड़कियों से खुलेआम पूछना या उनके साथ घूमना कोई खास बात ना थी, ये तो वहाँ आम बात थी। मगर मुझे इस तरह की हरकतों को करते अच्छा नहीं लग रहा था। मैं इन मुसीबतों में पड़ना नहीं चाहता था। जुबैदा नाम की लड़की मेरी मनपसंद मंगेतर थी, जिसे मैं दिलो जान से मोहब्बत करता था और जल्द ही उससे शादी करने वाला था। मेरी ज़िंदगी अच्छी गुजर रही थी। हर हफ्ते मैं अपनी मंगेतर जुबैदा से मिलने जाया करता था और एक दिन की छुट्टी उसके साथ बिताता था। एक बार जब मैं क्लास से पढ़ाकर बाहर निकला तो पिछली खिड़की से मैंने देखा कि वही लड़की मेरे कॉलेज के लॉन के बाहर टहल रही है। उसको वहाँ देखकर मैं चौंक गया और अपने मन में सोचने लगा कि ये लड़की इस वक्त यहाँ क्या कर रही है। यही लड़की कभी मेरी खिड़की से तो कभी मेरे सामने, और इस समय इस लड़की में ज़रूर कोई ऐसी बात है जो मुझे अपनी ओर खींच रही है। इसको देखकर मैं अपने आप को रोक नहीं पाता। ना जाने उसको देखकर मुझे क्या हो जाता है। उसके पास जाकर मैंने उससे पूछा, हेलो, तुम इस समय और यहाँ? मेरा मन घबरा रहा था, इसलिए चली आई, क्योंकि मुझे तन्हाई पसंद है। माफ़ करना, मैंने तुमसे ऐसे ही पूछ लिया। नहीं, मुझे तुमसे मिलकर अच्छा लगा। जब मैं उससे बात कर रहा था तो मैंने उसकी नीली आँखों में एक अजीब सी चमक देखी थी, मगर उसका चेहरा उतना खिला हुआ नहीं था जितना उसकी आंखें। ना जाने उसकी आंखों में क्या जादू था जो मैं दबता ही जा रहा था। वह मेरी ओर बढ़ रही थी कि अचानक पीछे से किसी ने आवाज़ लगाई, मिस्टर इकबाल, इतनी रात गए आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं उसकी आवाज़ पहचान गया था। वह कॉलेज में ड्यूटी देने वाला नाइट क्लीनर था। उसको देखकर वह लड़की बहुत तेज़ी से बाहर निकल भागी। कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं हुआ। यह कर कर मैं भी उसके पीछे पीछे बाहर निकल आया। जब तक उससे मैं कुछ पूछता, वह लड़की गायब हो चुकी थी। वहाँ से मैं सीधा अपने मकान पहुँचा, मगर उसने मेरा पीछा वहाँ तक भी नहीं छोड़ा। उसका चेहरा मेरी आँखों के सामने घूमता रहा, मगर इतनी बड़ी दुनिया में वह बेचारी अकेली लड़की क्यों? मुझे तो हैरानी हुई। अमेरिका जैसे शहर में लड़कियां अपने बॉयफ्रेंड्स के साथ बिना अकेली नहीं रहती। ऐसी उम्र वाली लड़की
और वो भी अकेली। मुझे तो दाल में कुछ काला लगता है। यही सोचकर मेरा दिमाग परेशान हुआ जा रहा था। मैं भी उसका ख्याल दिल से निकालकर सोने की कोशिश करने लगा। अगले दिन रात को जब मैं अपनी क्लास ख़त्म करके वापस अपने घर लौट रहा था, तभी वह लड़की फिर नज़र आई। मैं उसको देखकर उसकी ओर खींचा चला जा रहा था। मैंने उससे पूछा, कल तुम कहाँ गायब हो गई थी? कही, नहीं, मैं नहीं चाहती थी कि तुम मेरी वजह से स्टाफ की नज़रों में गिर जाओ। इतने दिन हो गए, आपने अपना नाम नहीं बताया। उसने कहा, मेरा नाम सकीरा कैटर है। क्या तुम हिल्टर कैटर की बेटी हो? अपने मकान मालिक का नाम लेकर पूछा। वह आहिस्ता से बोली, हाँ। पहले तो कभी नहीं दिखाई दी? उसने करीब के शहर का नाम बताया। मैं पिछले हफ्ते रॉक आइलैंड से आई हूँ। बहुत अच्छा, मेरे दोस्त बनोगे? क्यों नहीं, क्योंकि इस शहर में मेरा कोई दोस्त नहीं है, मैंने उससे पूछा। इसलिए मुझे यहाँ के आदमी अच्छे नहीं लगते हैं, क्योंकि यहाँ अमेरिकन बनकर एक दूसरे को दौलत की खातिर भूल जाते हैं और किसी का हाल चाल भी नहीं पूछते। इतने मतलबी और लालची हो जाते हैं कि किसी के दुख सुख में काम नहीं आते। उन्हें सड़कों पर भीख मांगने के लिए छोड़ देते हैं, फिर उसकी तरफ मुड़कर भी नहीं देखते पीछे क्या हो रहा है। उस दिन के बाद से ही सकीरा मेरी पक्की दोस्त बन गई। जहाँ भी जाना होता है साथ ही जाया करते थे। हम दोनों अक्सर रात में ही घूमने जाया करते थे। एक बार मैं बातों ही बातों में उससे पूछ बैठा कि तुम मुझे रात में ही क्यों मिलने कहती हो, दिन में क्यों नहीं बुलाती? मेरे कहने पर उसने बताया कि मुझे शोरगुल पसंद नहीं है, मुझे तो बस शांति ही पसंद है। मैंने और आगे कुछ नहीं पूछा। एक दिन हम दोनों रेस्टोरेंट में खाना खाने गए। तकरीबन वह खाली था। हम दोनों वहाँ बैठ गए और दो बर्गरों का ऑर्डर देकर बातचीत करने लगे। थोड़ी देर के बाद वह बर्गर लेकर आया और सामने रख कर चला गया। मैं उससे बातें ही करता जा रहा था, मगर उसके बाद भी वेटर मुझे बराबर घूर रहा था। हम दोनों बातें कर रहे थे, मगर उसकी नज़रें हम ही पर टिकी हुई थी। हम दोनों यहाँ नए हैं ना, इसलिए वेटर हमें देख रहा है, वह कहती हुई मुस्करा रही थी, जो मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने सकीरा के अंदर एक बात और देखी कि जब किसी दिन हम दोनों बाहर घूमने जाते तथा रात को वापस आते, तो वह मुझे शुभ रात्रि तक नहीं कहती थी, जब तक मैं अपने गेट के अंदर चला नहीं जाता। लेकिन मैंने आज तक उसके घर जाते हुए नहीं देखा। एक बार मैं सूर्यसार नदी के पास टहलते हुए चांदनी रात के दिन ऐसे ही उसके हार के बारे में पूछ बैठा, आखिर तुम अपने गले में इतना खूबसूरत गुलबंद क्यों पहने रखती हो? सकीरा मुझे काफ़ी देर तक ऐसे ही टालती रही। जैसे ही उसने वह हार उतारा, वैसे ही उसके अंदर एक अजीब सी हवा दौड़ गई। ऐसे लगता था जैसे उस गुलबंद में उस लड़की की जान छुपी हो। मुझे डराते हुए उसने पूछा, क्यों इकबाल, आखिर डर गए ना? मैंने अपने खुश्क होठों पर जुबान फेरी और बोला, अपना गुलबंद पहन लो, और रही डरने वाली बात तो मैं किसी से नहीं डरता सिवाय उस परवरदिगार के। अपने बारे में बताकर कहा कि हाल ही में मेरा ऑपरेशन हुआ है, चोट तो मेरी ठीक हो गई मगर उसका निशान बाकी है। कोई मेरी हंसी ना उड़ाए इसलिए मैं ये गुलबंद पहने रहती हूँ। उसके आगे मैंने कुछ नहीं पूछा। मेरी दोस्त सकीरा मुझे दिन में नहीं मिलती थी। उससे मिलने और उसकी कहानी सुनने के बाद अब मुझे यकीन हो गया है कि वह कहीं दिन में नौकरी करती है। शाम ढले मेरे से मिलने घर पर भी आ जाया करती थी और मेरा थोड़ा बहुत काम भी कर जाया करती थी। एक दिन उसने घर आकर मेरे लिए काफ़ी खाना बनाकर सारे बर्तन सही तरीके से लगा दिए। मेरा काम बड़ी मेहनत से करती थी। काम करती हुई वह अपनी सी लगती थी। मैंने उससे पूछा, कल हम पजाहट होटल में लंच करने जाएंगे, इस बारे में क्या कहती हो?
वह सर लहजे में बोली, मैं नहीं जाऊंगी। मैंने पूछा, क्यों? मैं ऐसी बात सुनकर चुप रहा क्योंकि शकीरा कैटर का वह मनपसंद होटल था। इकबाल, मेरे दोस्त बनकर रहना चाहते हो तो कभी मुझे दिन में मिलने के लिए मत कहना और कभी मेरे माँ बाप के बारे में कुछ मत पूछना। इससे हमारी दोस्ती में खलल पड़ेगा और वह हमारी दोस्ती का आखिरी दिन होगा। यह बात कहकर वह फौरन बाहर निकल गई। अपने दिमाग में इकबाल सोचता हुआ बोला, मुझे उससे ऐसी बात नहीं पूछनी चाहिए थी। आखिर वह मेरी हमदर्द, मेरी दोस्त और मेरी मोहब्बत है। जब तक मैं उससे नहीं मिल लेता, मुझे चैन नहीं आता था। अगले दिन मैंने उसका इंतज़ार किया, वह नहीं आई तो मुझे बेचैनी होने लगी। मैंने सोचा आज उसके घर जाकर मालूम करूं कि आखिर क्यों नहीं आ रही है, लेकिन फिर यह सोचकर रुक गया कि कहीं उसे बुरा ना लग जाए। इसी वजह से मैं उसके घर नहीं गया। मगर दो दिन बाद मेरे से जब वह मिली तो बड़ी खुश नज़र आ रही थी। मेरे गले लगकर मुझे खूब प्यार किया। मैंने दोनों उसके हाथ थाम लिए, मगर अगले ही पल मैंने घबराकर उसका हाथ छोड़ दिया। उसका हाथ बर्फ़ की तरह ठंडा था। मुस्कुराकर शकीरा ने पूछा, लगता है मुझसे मिलने के लिए बेचैन नज़र आ रहे थे। उसके हाथों को छूकर मैंने पूछा, हाँ परेशान था, मगर तुम गर्म कपड़े क्यों नहीं पहनती हो? उसने अपनी बात को इतनी आहिस्ता से कहा था कि मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था और मैं उसके मुंह को देखता ही रह गया। मैं अपने मन में सोचने लगा कि उससे इस प्रकार कहूँगा, शकीरा कैटर, मुझे ज़रूरी बात करनी है, अगर तुम्हारी इजाज़त हो तो मैं अपने मुंह से कुछ कहूँ। अब जो मैं तुमसे बात कहने जा रहा हूँ या पूछने जा रहा हूँ, वह अमेरिकन जैसी लड़की के लिए मामूली सी बात होगी, मगर वह मेरी नज़र में एक अलग तरह की लड़की थी। अगर मैंने उसके बारे में कुछ भी दोबारा पूछा तो वह इस बात का बुरा मान सकती है। जिस समय मैं ये बात सोच रहा था, उस समय हम दोनों एक साथ अंधेरे पार्क के एक कोने में बैठे सर्दी से बचने के कारण आग जलाकर अपनी ठंड को कम करने की कोशिश कर रहे थे, किंतु उसे खुले आकाश के नीचे रहकर शांति मिलती थी। वह आंखें बंद करे बैठी रही, मगर मेरी नज़र उसके चेहरे से एक मिनट के लिए भी नहीं हटती थी। अपनी आंखें खोलते हुए कहा, पूछो, क्या पूछना चाहते हो? मेरे मन में बहुत दिनों से एक सवाल आ रहा है और वह है शादी का। क्या तुम मेरे से शादी करना पसंद करोगी? जैसे ही उसने सुना, सुनते ही उसके शरीर में आग भड़कने लगी। वह गुस्सा होकर बोली, आखिर तुम भी एक मामूली इंसान निकले, तुम भी दूसरों की तरह हवस का शिकार होना चाहते हो। मिस्टर इकबाल खान, मैं तुम्हें गलत समझती रही, मगर आज से तुम इस शहर के होकर रह गए हो तो इसी के ही रहना। आइंदा मेरे से मिलने की कभी भूल मत करना, नहीं तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं रहेगा। उसे समझाकर वह हवा जैसी तेज बाहर निकलते ही अंधेरी छाया में गायब हो गई। शकीरा कैटर ने मुझे अचंभे में डाल दिया है। मैंने उससे शादी के लिए ही तो पूछा था, अब मुझे क्या मालूम था कि शादी को सुनकर वह इतनी नाराज़ होकर यहाँ से चली जाएगी। मैं तो इसकी खातिर अपनी पसंद के मंगेतर को छोड़ रहा हूँ, जिसे मैं दिलो जान से चाहता हूँ। आज ही अपने मकान मालिक के पास जाकर इसके गुस्से का कारण पूछूँगा कि आपकी बेटी इतनी चिड़चिड़ी क्यों है। उसके जाने के बाद मैं भी वहाँ नहीं रुका तथा अपने घर आ गया। वहाँ आकर सबसे पहले मैंने हीटर जलाकर उस पर केतली रखी और मेज पर बैठकर खतों को चेक करने लगा। उसमें मेरी अम्बी का लिखा हुआ पत्र पड़ा था। पत्र उठाकर मैंने पढ़ना शुरू किया। उसमें हमेशा वाली एक ही बात लिखी होती थी कि बेटा, तुम घर कब आ रहे हो और जुबेदा से शादी करके उसे घर पर कब ला रहे हो।
मुझे तो शकीरा कैटर में चक्कर में ये भी ध्यान नहीं रहा था कि मेरी उससे मंगनी हो गई है और वह मेरी मंगेतर है। मेरी माँ का खत देखकर मुझे अपने देश की याद आने लगी और उस दिन से मैं अपने वतन लौटने के बारे में सोचने लगा। अचानक केतली ने आवाज़ लगाई। मैं फौरन किचन में गया और वहाँ जाकर देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि मेरे किचन के अंदर शकीरा मौजूद थी जो मेरे आने का इंतज़ार कर रही थी। जैसे ही मैंने किचन के अंदर पैर रखा, उसने मुझे देखा और अपनी लाल लाल आंखों से घूरने लगी। उसके बारे में सोचते हुए अपने मन में कहा, मैंने तो दरवाज़ा बंद कर दिया था तो फिर ये अंदर कैसे आ गई? हो सकता है कि इसके पास दूसरी चाबी बनी हो। आखिर मकान मालिक की बेटी है, इसका हक बनता है दूसरी चाबी रखने का। अपना डर निकालते हुए मैंने उससे पूछा, तुम इस वक्त किचन में क्या कर रही हो? वह खतरनाक जैसी आवाज़ निकालते हुए बोली, तुमसे एक बदला चुकाना है। मैंने पूछा, कैसा बदला? तुम जैसे लोग अपने देश से यहाँ आते हो नौकरी के बहाने से, यहाँ का चाल चलन देखकर लड़कियों से शादी का नाटक करते हो और जब तुम्हारा मतलब निकल जाता है तो मुंह फेर लेते हो। इतना पागल समझ रखा है अमेरिका वालों को, मतलब पूरा होते ही तुम लोग यहाँ से भाग जाते हो। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। इतना कह वह तेज धार वाला चाकू उठाया और झपटी मुझे मारने के लिए। अगर मैं वहाँ से फुर्ती से ना अलग होता तो हकीकत में वह मुझे जान से मार देती। शकीरा, ये तुम कैसी हरकत कर रही हो? ज़रा होश में आओ और देखो कि तुम क्या करने जा रही हो। मैं तुम्हें छोड़कर या तुम्हारे से बेवफाई करने के लिए नहीं जा रहा हूँ। बस इतना ही कहा था और अचानक उसने मुझ पर हमला कर दिया। उसके बाद समझा कर कहा, मुझे समझने की कोशिश क्यों नहीं करती हो? ना जाने कौन सा भूत तुम्हारे ऊपर सवार हो गया है जो तुम्हारे से शादी करने की बात कह रहा हो। अगर शादी करूँगा तो अपने देश जाकर अपनी मंगेतर जुबेदा से करूँगा, फिर उसे यहाँ लाकर यहीं रहा करूँगा। यह बात सुनकर शकीरा पीछे हट गई और बोली, यही तुम्हारे लिए बेहतर रहेगा। और मेरे ओर पीठ कर वह बाहर निकल गई। उसके जाने के बाद मैं फौरन वहाँ से निकला और अस्पताल की तरफ भागा, क्योंकि मेरे हाथ से जख्म के कारण खून बह रहा था। मुझे उस समय डॉक्टर के जरिए पट्टी की आवश्यकता थी। रात के बाद सुबह होने वाली थी। मैं पट्टी बंधवा कर जैसे ही घर लौटने लगा तो उस समय रास्ते में अजान शुरू हो गई, जिस कारण मैं जल्दी जल्दी घर पहुंचा और नमाज अदा करके दुआ मांगने लगा कि ए परवरदिगार, आज तूने मेरी जान बचाई, तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ। ये कहकर मैं अपने बिस्तर में जा घुसा। अगली सुबह जल्दी जाकर चाय पीकर फौरन अपने मकान मालिक के दरवाजे पर पहुंचा। पहुंचने के बाद मैंने अपने मालिक का दरवाज़ा खटखटाया। मकान मालिक ने दरवाज़ा खोला। उनकी नज़र मेरे हाथ पर लगी चोट पर थी। यह देखकर वह मुझे पकड़कर अंदर ले गए और मुझसे पूछने लगे, ये सब कैसे हुआ बेटे इकबाल? सब आपकी बेटी केटर शकीरा की करामात है, उसी ने मुझे तेज धार वाले चाकू से जख्मी किया है। आपको मेरी एक सलाह अवश्य माननी पड़ेगी, क्योंकि मैंने उसको ऐसी हरकतें करते हुए कई बार देखा है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप जल्दी से किसी अच्छे डॉक्टर से बात करके उसके दिमाग का इलाज कराएं, वरना किसी भी दिन शकीरा केटर आपके लिए और मेरे लिए खतरा बन सकती है। सिगार का कस भरते हुए उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, बेटा, मैं उसका बड़े से बड़े डॉक्टर से इलाज करा चुका हूँ, मगर कोई फ़ायदा नहीं हुआ, इसलिए कि उसे मरे हुए 5 साल गुजर चुके हैं और इन 5 सालों में तुम तीसरे आदमी हो जिसे उसके जख्मी किया है। बेटी के बारे में पर्दा उठाकर
एक बाप ने कहा, अगर वह इस दुनिया में नहीं है तो आज सुबह जो मुझे मिली फिर वह कौन थी। मेरे शब्द मुंह के अंदर ही रह गए। यह क्या कह रहे हैं आप? मैं सच कह रहा हूँ बेटा, आज से 5 साल पहले एक देशवासी हमारे घर पर किराएदार रहने आया था। उसे रहते रहते यहाँ काफ़ी दिन हो गए थे। उससे मिलते मिलते शकीरा और उस परदेसी में एक दिन प्यार हो गया और ये मोहब्बत इस हद तक बढ़ गई थी कि उन दोनों ने शादी कर ली। शादी के कुछ दिन बाद उनकी गृहस्थी में दरार पड़ने लगी। हर समय दोनों छोटी से छोटी बात पर झगड़े करने लगे। उन दोनों की लड़ाई इस हद तक पहुँच गई थी कि एक दिन पति ने तेज धार चाकू से गले पर वार करके उसको मार डाला। उस दिन से वह देशवासी फिर यहाँ दिखाई नहीं दिया। शकीरा की आत्मा नौजवान लड़कों से बदला लेने के लिए इधर उधर भटकती फिरती है। बेटा इकबाल, तुम पहले किराएदार हो जो उसके वार से सही सलामत बच कर निकल आए, वरना इस घर से या तो वह छोड़ गया नहीं तो फिर उसको जान से हाथ धोना पड़ता था। आज मेरी एक बात मान लो बेटा, कि जहाँ अब रहते हो वहाँ से फौरन निकल जाओ, नहीं तो वह तुम्हें मार डालेगी। यह बात हिल्टर कैटर ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा। जब मैंने ये बात सुनी तो मेरे तन बदन में आग लग गई। जल्दी से अपने कमरे में आया और वापस अपने देश जाने के लिए सामान बांधने लगा। जिसे मैं प्यार कर रहा था वह शकीरा के भेष में एक चुड़ैल थी या मिस हेल्टर की बेटी थी। सामान पैक करता हुआ ये सोच रहा था, उस दिन से मैं उस कमरे में नहीं रुकूंगा और निश्चय किया कि अब मैं यहाँ नहीं रुकूंगा, अपने देश लौट जाऊंगा। जब तक मेरा टिकट पास होकर नहीं आ जाता तब तक मैं अपने किसी दोस्त के यहाँ जाकर रहूँगा, मगर किसी भी हालत में यहाँ नहीं रहूँगा। मैं अपना सामान लेकर कमरे से बाहर निकलते हुए सीढ़ियाँ उतर कर नीचे आ रहा था। जब मैं आधी सीढ़ियाँ उतर आया तो मैंने पीछे मुड़कर देखा कि मेरे कमरे में शकीरा कैटर खड़ी हुई मुझे देख रही थी और हाथ हिलाकर मुझे अलविदा कहकर रुखसत कर रही थी। उसकी नीली नीली आंखें उस समय मुझे घूर रही थी, मगर उन आंखों में आंसू थे। उसके हाथ को देखकर मैंने भी उस ओर हाथ हिला दिया और सड़क पर निकल आया। अपने मन में सोचता चला जा रहा था कि अगर मुझे यहाँ की बातें बताने की ज़रूरत पड़ी तो क्या वह मेरी बातों पर यकीन करेंगे, और मेरे घर वालों ने यहाँ दोस्तों ने पूछ लिया कि यह जख्म कैसे लगा तो मैं उन्हें यकीन दिलाकर क्या कहूँगा कि ये जख्म एक चुड़ैल ने बेवफाई की खातिर दिया है। तो दोस्तों, ये थी मेरे दोस्त इकबाल के साथ घटी एक खौफनाक घटना। अगर आपको हमारा ये कहानी पसंद आए तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। धन्यवाद।